मॉर्निंग। दिया नहीं दिख रहा है यहाँ पे? अच्छा यहाँ पे, हाँ वहाँ दिया है, दिख रहा है। और वहाँ देखिए तुलसी चौड़ा पे भी, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए दीपक जल रहा है और उधर चिड़ियों की आवाज बहुत सुंदर सी। और इधर कुछ फूल हैं, तो देखो फूल। चिड़ियों की ढेर सारी आवाज आ रही है ना। अभी मैं चिड़ियों के दाने को निकालूंगी। और पीहू गई है चिड़ियों के लिए दाना लाने, क्योंकि आज कई दिनों से दाना नहीं दे पा रही हूँ, तो बस वही दाना दे दूंगी। और यहाँ पर पीहू खाना दे रही है चिड़ियों की। दे दो बेटा, तुम नहीं आओगी कैमरा में यार, तुमको नहीं हम ले रहे हैं, तुम चिड़िया का दाना दो। और यहाँ पीहू दे रही है दाना, उसको कैमरे के पास आना बिल्कुल पसंद नहीं है इसलिए। ठीक है बेटा दे दो, वहाँ पे रेलिंग पे डाल दो ना। यहाँ इलायची वाली खीर बन गई है, तो इसे पहले भगवान को चढ़ाएंगे। और संडे है तो संडे को चाय बन ही जाती है, मतलब दो बार तो पी ली हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी, जबकि दो बार मेरे लिए काफी होता है, मैं दो बार से ज्यादा नहीं पीती, लेकिन आज पी लूंगी। और अभी कृष्णा ने फोन किया है कि वो आ रहा है, तो किचन के कुछ कंटेनर से उसको निकाल के बस वो पोंछ देगा, क्योंकि ऑलरेडी किचन की हमारी सफाई हो चुकी है। और ये खीर रहा तो कुछ भगवान को चढ़ा दिया है, और अभी कुछ दूंगी मैं पीहू को, क्योंकि कोई सा भी मीठा चीज बनता है तो पहले भगवान को मैं चढ़ाती हूँ। बनेगी लौकी की सब्जी। और चलिए फ्रंट कैमरा से जब भी दिखाऊंगी तो आपको अस्पष्ट ही दिखेगा, तो चलिए इसे मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से। और कद्दू की सब्जी बहुत साधारण, केवल हींग, लाल मिर्च, थोड़ा सा अगर चाहेंगे तो मेथी देंगे, हल्का सा हल्का मेथी, और जीरा, तेज पत्ता, बस इतने पर ये बनेगी कद्दू की सब्जी, हल्के मसालों वाली, जो आज हम लोग खाएंगे। तेल उसमें डाल दिया है फ्रेंड्स मैंने, और ये रहा मसाला। चलिए इसको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, एकदम सिंपल सा फोरन मसाला, नहीं फोरन, थोड़ा सा मेथी, लाल मिर्च, जीरा, तेज पत्ता और हींग है। चलिए इसे सरसों तेल में डालेंगे। हाँ पानी निकाल दीजिए, आ रहे हैं। पसीने चाय ये जब भी देंगे ना तो पानी देंगे नहीं, खुद पानी पी लिए हैं और थोड़ा सा मेरा वीडियो लिए हैं कि रसोई घर में, और बस दीजिए ना थोड़ा सा पानी, उनको पानी निकाल रहे हैं ये। और यहाँ पर कृष्णा आ गया है, और ऊपर वाला ये रैक जो है इसके कंटेनर्स को उतार करके कहाँ रख रहे हो कृष्णा? टब में ना, टब दिखा दो कृष्णा थोड़ा इधर। हाँ यहाँ देख सकते, नहीं आ रहा है कैमरा में, यहाँ टब में पूरा निकालेगा, काफी होगा भाई। और यहाँ पर कृष्णा भी काम कर रहा है और मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी, कद्दू मतलब लौकी। तो चलिए इसका पानी हल्का हल्का सूख गया है। हल्दी, कश्मीरी मिर्च पाउडर, नमक और धनिया पाउडर, यही बस मैंने डाला है, और इसे अब अच्छे से चला लेते हैं। और तब तक कृष्णा सामान उतार उतार के उधर माँ के रूम में नीचे में रख रहा है, क्योंकि मेरे रूम में जगह नहीं है। और फिर और यही बनेगी कद्दू की बहुत ही स्वादिष्ट सिंपल सी सब्जी, न कोई लहसुन न कोई प्याज, कुछ भी नहीं। ठीक है एक बाल्टी देखो ना ले लो। और यहाँ पर ये पूरा स्पेस खाली हो गया है, अब इस पे देखिए इसकी सफाई होगी।
पूरा स्पेसेस की सफाई होगी, इनकी सफाई भी हो रही है, लौकी भी बन रहा है। और चलिए अभी मैं दिखा रही हूँ वॉशिंग मशीन में मैंने एक कवर डाला था और आज ये उसके अंदर का है कंबल, इसको भी मैं इसी में धुलूंगी। स्टेपलर है ये कृष्णा को देने जा रही हूँ लो, और ये पेपर अब बिछ जाएगा और सारे कंटेनर्स यहाँ रखा जाएंगे। दीदी को कॉल करो। यहाँ पर देखिए कृष्णा को बोले एक तरह का कलर का डब्बा करने के लिए यहाँ पर, और उधर है डिफरेंट कलर का, वो सबको देखते हैं फिर क्या करना है। ये जो कंटेनर्स है ना मिल्टन के, ये मैंने एक ही सेट मंगवाया था जिसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, एक सेट और मैं इसका कभी भी मंगवाऊंगी। और यहाँ पर कृष्णा पूरा अच्छे से डेकोरेट कर लेगा। जानते हो कृष्णा सर को बोलते हैं कि थोड़ा सा बाल अच्छे से कलर करवा लीजिए और तब क्या होगा कि थोड़ा सा मेरी वीडियो में भी अच्छा आएगा, तो ये तो कुछ करवाने वाले नहीं है। कृष्णा कह रहा है ट्रेंड चला हुआ है आजकल व्हाइट करवाने का, तो सही ये कह रहे हैं सही बात है। मतलब सब तो ट्रेंड में है, इसका क्या मतलब, लुक अच्छा आना चाहिए ना। और ये काम भी चल रहा है, हमारी हंसी मजाक भी चल रही है क्योंकि काम को बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं करेंगे। एक कलर का डब्बा यहाँ कृष्णा ने सजा दिया कुछ इस तरीके से, वो भी बर्तन धोने में मेरी मदद कर। और यहाँ पर ये पोर्शन देखिए ये भी खाली हो गया, अब इसकी होगी थोड़ी से, थोड़ा सा इसको भी सबसे रगड़ना होगा और रगड़ने के बाद साफ हो जाएगा। और वहां पर कृष्णा स्कॉच ब्राइट से कर रहे हो ना, उसको उसको थोड़ा सा सर्फ दे करके रगड़ रहे हैं, उसको रगड़ दो। कृष्णा किचन का उधर रगड़ रहा है, साफ कर रहा है, और दौड़ते दौड़ते हालत खराब है अभी मुझे। ये इतने सारे यहाँ पर, सॉरी वहाँ देखिए, वो इतने सारे कपड़े हैं, उसको मेंटेन करना है। देखती हूँ पेपर भी जाएगा, स्टेपलर पेपर अब इस पे हो रहा है, पेपर हो जाएगा और बन गई है फाइनली लौकी की सब्जी। बहुत अच्छी बनी है, टेस्टी बनी है यहाँ पे। और यहाँ पर नीचे, अब नीचे का सफाई हो रहा है गैस सिलेंडर के पास का। और यहाँ पर किचन में पूरा ये वाला जो पोर्शन है ना, ये बहुत ज्यादा गंदा होता है, ये पूरी सफाई होगी।
आज सुबह से ही बहुत व्यस्त थी तो बोला पीहू को कि तुम ही फूल उठा लो। मैं भी गई हूँ उसके साथ गार्डन में और वो भी है मेरे साथ, और कुछ फूल टूटकर इस तरीके से गिरे होते हैं और सुबह की सुंदरता का क्या कहना, तो वो भी देख लीजिए। तो दिवाली की इस तरीके से मतलब काम करवाने के पीछे लगना पड़ता है, और सही में सच पूछो तो एकदम हालत ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा मतलब मन ख़राब सा लग रहा है और सिर में चक्कर दे रहा है। आप लोग भी बताइएगा कि क्या दिवाली की सफाई करते करते आप लोगों की भी मेरी ही जैसी हालत हो गई है। जी हाँ, मेरी हालत तो बहुत ख़राब हो गई है। और ये रहा एक पतंग, बच्चे कुछ बाहर खेलते हैं ना तो उनके पतंग उड़ उड़ के आ जाते हैं, तो ये ना पौधों में लटके हुए थे तो मैंने इसे यहाँ पर रख दिया। और पीहू को बोला है मैंने कि थोड़ा सा फूल तुम तोड़ लो और तुम ही आज चढ़ा दो भगवान को। और यहाँ देख सकते हैं एक रेड रोज और एक पिंक रोज खिला हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है ना। तो सुबह उठ कर के ही बहुत ही आज मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि जल्दी जल्दी मेरी दिवाली के कम किचन के सफाई तो ज़रूर हो जाए, क्योंकि किचन सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे मतलब घर का। तो चलिए इस तरीके से सारी सफाई हो ही गई। किचन का तो लगभग पूरा कर दिया कृष्णा ने, और अब जो थोड़ा बहुत है काम बाकी तो वो होगा शाम में, क्योंकि अभी मेरी भी तबीयत बहुत अच्छी नहीं लग रही है, अच्छा नहीं लग रहा कुछ मुझे। ये सारा वो उधर वाला अब साफ होगा, कुछ बर्तन स्टैंड होगा, बाद बाकी सारा सब कुछ हो गया है टोटल फिनिशिंग। तो फाइनली हो गई है इस पोर्शन की तो पूरी सफाई हो गई है। अब है किचन का खिड़की दरवाजा जो पोछना है, तो वो जाएंगे एक सेकेंड बेटा, हाँ उसको वहीं पे रख लो जहाँ से लाए थे। और ये देख सकते हैं, और ये रहा नन मॉड्यूलर किचन की सफाई। अभी मॉड्यूलर किचन नहीं है तो बहुत ही दिक्कत होती है, और सफाई होने के बाद रसोई घर का कुछ इस तरीके का लुक है, बहुत सिंपल सा। आप लोग बताइएगा कि आज का ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, और लाइक करिएगा प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है मेरा। हाल फिलहाल में हाँ, अपना ससुराल आए थे ना, अभी दो तीनों महीना नहीं हुआ है। यहाँ शाम के टाइम में अब कृष्णा आया है, तो जो भी थोड़ा सा बच गया था वो काम यहाँ पर, जो वो बड़े बड़े पीढ़े थे ना उसको मैंने कृष्णा को कहा कि कुछ इस तरीके से लगा दो। लगाने के बाद इसी पर कुछ कंटेनर्स हो गए, रह गए दीवार के कलर, तो वो कृष्णा जब फ्री होगा फरवरी में ना बोले हो कृष्णा, मार्च के बाद, मार्च के एग्जामिनेशन होने के बाद जब वो फ्री होगा तो वो सारा रंग वंग वही करेगा अपने, वो भी अपने तरीके से करेगा, सिर्फ हम कलर बता देंगे और कैसे क्या होगा वो सारा कुछ वही करेगा। और यहाँ इस पेपर पे अब स्टेपलर कर देगा और सारे कंटेनर्स इस पे फिर रखा जाएंगे, ठीक है। और चावल का लिया यह आटा कटीना रखा है कृष्णा ने, कह रहा मैम कैसे रखे बताइए। तो ये देख रहे होंगे ये पीढ़ा जो कल मेरे बेडरूम में था, इसको मैंने कुछ इस तरीके से कर लिया है। चावल इसमें चावल नहीं होगा कृष्णा, इसमें देखो ना कुछ राशन का ही अभी सामान होगा। नहीं बात, इसको क्या करो किनारे कर दो, किनारे रखो, हाँ इसको किनारे कर दो ताकि निकालने में सुविधा रहे। तो सुना रखो दिखाओ तो, हाँ चावल की नहीं हुआ फो। और यहाँ पर टीना कुछ कंटेनर इस तरीके से हो गया, और कौन सा है देखो तो, आराम से आराम से इसको उसके सामने रख दो, हाँ ठीक वैसे ही कर दो, सीधा कर दो, हाँ रुकिए ना लाइए ना हम भी पोयम सुन ले के आ। और फ्रेंड्स कुछ इस तरीके का है, अभी तो बहुत कुछ काम बाकी है लेकिन चलिए कोई सा भी बात नहीं, ये सब है इस तरीके से। मैंने इसको धुलवा के रख दिया है, और इस तरीके से अब ये सारा कंटेनर हो गया, अब जो बाकी है वो सारे होते रहेंगे। और रात बहुत हो चुकी है, काम का अंत नहीं, थकान बहुत ज्यादा है। कृष्णा जो भी करता है उसके बाद जितनी छोटी मोटी चीजें हैं वो भी मुझे करनी पड़ती हैं,
और बस वो बहुत सपोर्ट किया, थैंक्स कृष्णा। और इधर आपको दिखाती हूँ कि कुछ ये सब भी पैर पोछने वाले सामने सर्फ में डाले थे मैंने, और उसके बाद उसका भी धुलाई हो गया और मैं हाफ रही हूँ।